हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम दोबारा से आप सबके सामने। वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज माय स्पेशल ईद व्लॉग। ये है हमारा सुबह का पहला खाना। शुरुआत में ही शेर के मुंह में खून लग जाता है। और ये हमारे शेर भाई साहब। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आपको। यहाँ देखिए काजू की चोरी हो रही है। वाव। सेवैयां और चिकन कसा। तो यार रोटी हो जाएगा तो बताओ ना। चने पे सुहागा। ये खाते सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाने। और ये उनके तरफ कैमरा घुमा दूंगा वो चुप के उठ के दौड़ेंगे। मान के चलना पड़ता। कॉफ ऑफ द बाबू। वाओ, मस्त बारिश ऊपर छत पे और ये नजारा। वाओ, बिजली। थोड़ा सिनेमैटिक शॉट खाने के लिए। ईद के लंच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ईद थी हैदराबाद वाली, तब मैं हैदराबाद में हुआ करता था। एंड वो टाइम मुझे बहुत घर का याद आया था। एंड आफ्टर दैट दिस ईद मुझे घर की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग माय होम। और मेरी तरह आप लोग जो भी मतलब घर से दूर ईद मना रहे हैं, उन सभी के साथ मैं अपना लंच शेयर करूँ। आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स। I'm missing my relatives and I'm missing Ammi, Abbu and Kushbu. Wow. दोस्तों, इंडियन फूड्स का एक खासियत यह है कि आपको फूड जचता है, मजा। I'm a crazy Indian food lover. घर वाला प्यार, घर वाला सुख और कई फ्रेंड्स। अ गुड फैमिली इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। दोस्तों, आज ईद में ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं बारिश वाला व्लॉग। सो एंजॉय कीजिए इस भुवनेश्वर के बारिश को और देखते रहिए इट्स वसीम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चीज मैंने आज रियलाइज किया, हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को कभी अपने अपने जो परिजन हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन फेस्टिवल्स की वजह से हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर उनको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। नेचर वाइज अगर देखा जाएगा तो बारिश हो रहा है, मुझे काफी मजा आ रहा है। मैं भीग के आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। सो दिन भर में एक्चुअली टाइम नहीं मिला, कल रात को सही से नींद नहीं हुआ है, तो उसके वजह से थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन लग सकता है, बट डोंट वरी। अभी निकलने वाले हैं एक शॉर्ट ड्राइव में विद इन द सिटी के लिए जा रहे हैं। बहुत ही बेकार, अरे बहुत ही बेकार ड्राइव है। तो दोस्तों, इस ईद दावत वावत नहीं तो क्या हुआ, अपना राइड है। तो हम लोग एक सिटी राइड ले रहे हैं, फिर अगर वहां से मन किया तो कहीं बाहर निकल जाएंगे, देखते हैं कहां तक चलता है। तो वो ना बे।
कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि रोड उनके बाप का है, उतना जगह खरीद लिए हूँ। इसको बहुत जोर से पोटी आया है फ्रेंड्स, जब आपको बहुत जोर से पोटी आए तो आप ऐसे गाड़ी चलाना। बेचारा बड़ा निकलने का कोशिश कर रहा है, ये आज रिग्रेट किया होगा कि इतना बड़ा गाड़ी में क्यों कर। बाप रे, और एक तो है पीछे। अरे भाई साहब, इन लोग सबको लगा है जोरदार पोटी। आज वो लोग रिग्रेट करेंगे कि क्यों हम लोग छोटा गाड़ी नहीं खरीदे। और ये देखो ऑल्टो वाला जस्ट उसके पीछे। भाई भाई खतरनाक कॉम्बिनेशन। हम लोग को अंडरस्टैंड होते ना, बेवकूफ है। सबको आगे निकलना है। ये देखो एक कितने से एरिया से निकाल के ले गया वो। ओ माय गॉड, वो बंदा यहाँ पे भी आके फंस गया बेचारा। हॉर्न मार के जो निकला था आगे, जैसी करनी वैसी भरनी। फ्रेंड्स, एक राइड के बाद हम लोग लौट रहे हैं। एंड क्योंकि हम लोग दिन भर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, तो बस हम लोग चले एक लॉन्ग राइड पे, फिर थोड़ा वी टाइम स्पेंड किए। एंड अब हम फिर रिटर्न कर रहे हैं बैक टू होम। तो ईद मेरा कुछ इस तरीके से रहा। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों का ईद कैसा था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें।